الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعاريج عليها يظهرون. ये आयत सूरे ज़ुख़रुफ़ की 33 नंबर की आयत करीमा है। अल्लाह सुबहानहु व ताला के पाक इरशाद का खुलासा है, अगर ये अंदेशा न होता, अगर ये एहतमाल न होता कि तमाम इंसान एक ही दीन यानी कुफ्र पर हो जाएंगे, तो जो लोग अल्लाह रहमान का इनकार करने वाले हैं, हम उनके घरों की छतों को चांदी की कर देते और जिन सीढ़ियों पर वो चढ़ते हैं उनको भी चांदी की बना देते। وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور ان کے تختوں کو بھی چاندی کے بنا ڈالتے جن پر وہ تکیہ لگا کر کے بیٹھتے ہیں۔ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اور اتنا نہیں بلکہ ان سب کو سونے کی بنا دیتے اور یہ سب کچھ صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور آخرت تمہارے رب کے نزدیک تقوی والوں کے واسطے ہیں۔ یہ دنیا اور دنیا کی رونق کا سامان اللہ تعالی کی نظر کے اندر اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ دنیا اور دنیا کی رونق کا سامان اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی حقیر معمولی چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر یہ دنیا مچھر کی ایک پر کے برابر، ایک پانکھ کے برابر بھی درجہ رکھتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ دنیا کا مال، دولت،
कितना भी ज्यादा हो जावे ये कोई फजीलत की चीज नहीं है। दुनिया का माल और दौलत कम हो जावे तो उससे मर्तबा कम नहीं हो जाता है। अगर अल्लाह ताला के यहाँ ये बात है कि ईमान वालों के ईमान के डगमगा जाने का खतरा न होवे, ईमान वालों के ईमान से हट जाने का डर न होवे, तो अल्लाह ताला काफिरों को इस दुनिया में बहुत सारी दौलत के दरवाजे खोल देवे। दरअसल बात किया है, इंसानों की तबीयत के अंदर लालच है, इंसानों की तबीयत में दुनिया का नकद कैश नफा बेनिफिट है, दुनिया की जिंदगी की लालच है। ये आम इंसानों का एक मिजाज है। हां अल्लाह ताला के नेक और मुखलिस बंदे ऐसे हैं कि जिनकी नजर के अंदर दुनिया कोई चीज ही नहीं है और वो दुनिया की दौलत, दुनिया का माल, दुनिया का आराम, दुनिया की राहत के लिए कभी ईमान का सौदा हरगिज नहीं कर सकते। लेकिन इस दुनिया के अंदर बहुत सारे कमजोर इंसान भी है, बहुत सारे कमजोर ईमान वाले भी है, जिन कमजोरों की नजर इसी दुनिया के ऊपर है, दुनिया की दौलत के ऊपर है, दुनिया की राहत के ऊपर है, दुनिया के मौज मजे के ऊपर है। देखो अल्लाह ताला ने इस दुनिया को काफिरों के लिए जन्नत बनाया है, हदीस में है, तो फिर क्या होना चाहिए? काफिरों को इतनी दौलत मिले, इतनी दौलत मिले कि उनके घरों की मकानों की छत चांदी की होवे, घर के अंदर चढ़ने की जो सीढ़ियां दादर होती है वो भी चांदी की होवे, घरों के दरवाजे भी चांदी के होवे, पलंग और चारपाई भी चांदी की होवे, बल्कि सोने की होवे। और अल्लाह ताला ये सब कुछ कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारा ईमान है। लेकिन अगर दुनिया में जो लोग ईमान नहीं लाते, ऐसे लोगों को अल्लाह खूब रोजी देते, खूब दौलत देते कि उनके मकान में सोना चांदी सब कुछ सोने चांदी का, पलंग, फर्नीचर, बर्तन, दरवाजे, सीलिंग, छत, ढाबा, दीवार सब सोने की हो जाती, तो कमजोर ईमान वालों का ईमान डगमगा जाता। और वो ईमान से डगमगा करके नऊज़ुबिल्ला ईमान छोड़ करके कुफ्र में चले जाते। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी मसलहत से दुनिया में तमाम काफिरों के लिए दौलत के तमाम दरवाजे नहीं खोले। अल्लाह ताला अपनी रहमत से नबियों को, औलिया अल्लाह को दुनिया की लालच से दूर रखते हैं, पाक रखते हैं, बचा करके रखते हैं। और अच्छी तरह समझ लो, अगर ये दुनिया की दौलत कोई कमाल की चीज होती
तो अल्लाह ताला हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा दौलत अता फरमाते। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा अल्लाह ने अच्छे अखलाक अता फरमाए। देखो ये भी अल्लाह की एक बड़ी मेहरबानी है, समझो। क्या मेहरबानी? कि इस दुनिया में भी अल्लाह ने ऐसे असबाब बनाए कि जिसकी बरकत से हमारा ईमान सलामत रहे, हमारा ईमान डगमगा न जावे। ये असबाब अल्लाह ने इस दुनिया में हमारे ईमान की हिफाजत के बनाए कि तमाम काफिरों को, तमाम नाफरमानों को, तमाम बेईमानों को अल्लाह ने दौलत की रेलम पेल नहीं दी, वरना ईमान वाले ईमान छोड़ करके डगमगा जाते। देखो दुनिया की कमाने के अंदर तो एतदाल रखो, दरमियानी रास्ता। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी हलाल कमावे, खुद खावे पहने, अल्लाह की मखलूक को खिलावे पिलावे पहनावे, करीबी ताल्लुक रखते हैं इनको, तो ये चीज उसके गुनाह को साफ करने का जरिया बनेगी। इसलिए आदमी रोजी कमाने के अंदर ये नीयत भी रखे कि मैं दूसरों को खिलाऊंगा, दूसरों को पहनाऊंगा, दूसरों की खिदमत करूंगा, दूसरों की सेवा करूंगा, दूसरों को राहत पहुंचाऊंगा, जानवरों को, गरीबों को, मिस्कीनों को, मोहताजों को। अपना भी काम होगा, दूसरों का भी होगा, तो इंशाल्लाह ये हलाल रोजी कमाना इंसान के लिए गुनाहों से माफी का जरिया बनेगा। लेकिन लोगों के दिलों के ऊपर दुनिया की मोहब्बत छाई हुई है। हालांकि दुनिया क्या है? मताउल हयातिद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी के अंदर फायदा उठाने की चीज है। अपनी यहां किचन में चूल्हे पर गैस स्टोव के पास एक मैला पुराना कपड़ा रहता है, क्यों? बर्तन गरम गरम उठाने के लिए, किचन स्टैंड साफ करने के लिए। उस कपड़े को भी मता कहते हैं। अब वो कपड़े की वैल्यू कितनी? काम हुआ साइड पे डाल दिया। बस दुनिया भी ऐसी ही है, काम हो जावे, जरूरत पूरी हो जावे, इतना है इस दुनिया का मतलब। और दुनिया की मोहब्बत से अपने दिल को हमेशा पाक रखो। अब समझो दुनिया की मोहब्बत किसको कहते हैं, दुनिया की मोहब्बत जो गलत काम है वो किसको कहते हैं वो समझो। नंबर एक, जो आदमी दुनिया को आखिरत पर तरजीह देने लगे, यानी आखिरत के कामों से ज्यादा दुनिया के काम करता है, दुनिया कमाने की, दुनिया हासिल करने की, दुनिया जमा करने की ज्यादा फिक्र है, आखिरत की फिक्र बहुत मामूली और कम है। नंबर दो, दुनिया का ऐश, दुनिया का मौज मजा इतना उसमें पड़ जावे, इतना मुनहमिक हो जावे कि सवाब हासिल करने की फिक्र नहीं रहे, जहन्नम और कब्र के अजाब से भी गफलत हो जावे। दुनिया का ऐश, दुनिया का मौज, दुनिया का मजा, दुनिया की राहत हासिल करने में आदमी इतना डूब जावे कि सवाब हासिल करने की, सवाब कमाने की कोई फिक्र नहीं, अजाब से बचने की कोई फिक्र नहीं। तीसरी बात, माल जमा करने की इतनी लालच पैदा हो जाए
कि लंबी लंबी आरजुएं बांधने लगे। लंबी आरजू, माल कमाने की इतनी लालच कि लंबी लंबी आरजुएं। नंबर चार, मालदारों को बहुत अच्छा समझे और गरीबों को बिल्कुल गया गुजरा निकम्मा बेकार फालतू समझे। ये पैसे वाले हैं, बोलते बोलते नाम में मुंह भी भरा जावे, और गरीब हो बेचारा, ये तो भाई ऐसा ही है। ये चौथी निशानी दुनिया की मोहब्बत की। नंबर पांच समझो, माल की वजह से मालदारों की ताजीम करे। माल की वजह से मालदारों की इज्जत, ताजीम, तकरीम, रिस्पेक्ट करने लगे। हाँ, अगर किसी मालदार की ताजीम की, उसकी तरफ से होने वाली तकलीफ को दूर करने के लिए, या एहसान का बदला देने के लिए, या जायज़ शरी मकसद के लिए, वो अलग चीज है। लेकिन अगर मालदार की इज्जत की माल की वजह से, ये दुनिया की मोहब्बत है। छठी बात समझो, अमीर लोग, हुकूमत वाले लोग, बादशाह लोग, उनकी कोई ताजीम और तकरीम करके आदमी खुद को ऊंचा बनाना चाहे कि ये बड़े मिनिस्टर साहब है, ये बड़े अमीर साहब है, ये बड़े हुकूमत वाले साहब है, मैं इनकी इज्जत करूं तो ये मुझे भी कोई छोटा मोटा ओहदा दिलाएंगे, मुझे छोटा मोटा दर्जा दिलाएंगे। इस लालच में करे, ये दुनिया की मोहब्बत हो गई, और दुनिया की मोहब्बत से अल्लाह हम सब के दिलों को पाक रखे। ये छह निशानी बतलाई गई है। इस छह निशानियों को अपनी जिंदगी में जांच लो, अगर इसमें से कोई भी बात हो तो मेहनत करके, कोशिश करके, दुआ करके, अल्लाह वालों की खिदमत में रह करके, ये तमाम गंदी चीजों को, दुनिया की फानी मोहब्बत को दिल से निकालने की मेहनत और कोशिश करो। क्या फरमाया? वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन। तकवा वालों को अल्लाह ताला आखिरत के अंदर बेहतरीन हमेशा का बदला देंगे। वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैताना फहुवा लहू क़रीन। और जो शख्स भी अल्लाह रहमान के जिक्र यानी कुरान से आंख बंद कर लेवे, यूं तर्जुमा भी करते, और जो शख्स रहमान की, अल्लाह की नसीहत से अंधा बन जावे, तो हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं। सो वो शैतान उसके साथ रहता है, यानी शैतान उसका साथी बन जाता है, शैतान उसका दोस्त बन जाता है। अजीब बात, इस आयत का शाने नुजुल समझो, अजीब किस्सा है। मक्का के कुरैशी काफिरों ने एक मर्तबा अजीब मशवरा किया, एक अजीब प्लानिंग बनाई कुरैशी लोगों ने, कि जितने लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान ला रहे हैं, जो सहाबी बन रहे, उनके पीछे अपना एक एक आदमी मुकर्रर कर दो, तय कर दो, एक सहाबी पर एक कुरैशी काफिर, इस तरह एक 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 आदमी को तय कर दो। यानी उनके पीछे पड़ के उनको समझा बुझा करके इस्लाम से हटा के दोबारा उनको कुफ्र में ले आवे। अब तरतीब जो उन्होंने बनाई, तो उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के लिए तलहा इब्ने उबेदुल्ला को मुकर्रर किया,
प्लानिंग के मुताबिक तलहा हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आया। ऐसे वक्त पर आए जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास कुछ लोग बैठे हुए थे। तलहा ने आकर हजरत अबू बकर को पूछा, तुम मुझे किस बात को मानने की दावत देते हो? नहीं, हजरत अबू बकर ने पूछा, तलहा तू क्यों आया, किस चीज की बात मानने की दावत देने आया? तो तलहा ने कहा, मैं तुमको लात और उज्जा की पूजा की तरफ बुला रहा हूं। लात और उज्जा उनके देवी देवता थे, काबू बकर तुम उनकी इबादत करो। हजरत अबू बकर ने पूछा, लात क्या है? तलहा ने कहा, हमारा रब है, खुदा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, उज्जा कौन है? कहा कि वो लड़कियां हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, उनकी मां कौन थी? तो तलहा चुप, कोई जवाब नहीं। तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला उन्होंने जोर से कहा, अच्छी तरह तलहा को समझाया, तलहा के दिल के अंदर बात उतर गई। क्या बात उतरी? वो हजरते अबू बकर सिद्दीक को ईमान से हटाने आया था, लेकिन अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर उसको ईमान अता फरमा दिया, सहाबी बन गए। और अब बन गए हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु। कहने लगे, अबू बकर खड़े हो। फिर उन्होंने कलमा पढ़ा, अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। देखो, शैतान तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे शैतान, शैतानों की टीमों की टीमें हैं, जमात की जमात है, फौज की फौज है, टीम की टीम है शैतानों की। अब जो इंसान भी कुरान को मानता नहीं है, अल्लाह की बात से जानबूझ के मुंह फिराता है, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर एक शैतान को मुसल्लत कर देते हैं। अंडा आपने देखा, अंडा, अंडे के ऊपर छिलका होता है, तो पूरे अंडे के ऊपर छिलका कैसा कवर करके रहता है, कॉर्डन करके रहता है, बस बिल्कुल इसी तरीके से जो आदमी कुरान की नसीहत को नहीं मानता, उसके ऊपर शैतान पूरा कंट्रोल और काबू कर लेता है। फिर वो लोग दुनिया की रौनक में, दुनिया की लज्जतों में पड़ जाते हैं। बाज लोग कुरान को पहचानते हैं, लेकिन जानबूझ के जाहिल बनते हैं। फिर वो शैतान क्या करेगा, हर वक्त दुनिया में साथ लगा रहेगा, नेक काम से रोकेगा, बुरे काम करने के लिए कहेगा। आजकल लोग फरियाद करते हैं ना कि नेक काम करने का दिल नहीं लगता, बुरे काम करने में बड़ा मजा आता है, तो समझो कि उसके ऊपर शैतान मुकर्रर है, शैतान उसको कंट्रोल कर रहा है। और वही शैतान उसको नेक काम से रोकता है और बुरे काम की तरफ ले जाता है, तो दुनिया में हर वक्त वो शैतान साथ में। और ये नहुसत काय की, कुरान की नसीहत न मानने की नहुसत। अगर कुरान को मानता, कुरान की नसीहत पर अमल करता, तो ये बुरी हालत नहीं होती। इतना नहीं, वो शैतान जिंदगी में साथ रहा, आखिरत में जब इंसान कब्र से निकलेगा
तो ये शैतान साथ हो जाएगा। जैसे इंसान कब्र से निकलेगा शैतान साथ में, और फिर साथ में जहन्नम में जाएगा। अल्लाह शैतानी ऐसे तसर्रुफात से हम सब की हिफाजत फरमावे। देखो अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी मेहरबानी फरमाई। अन जिक्री रहमान, लफ्ज़े रहमान पर गौर करो। अल्लाह ने अपनी रहमत से कुरान भेजा, तमाम आलमों के लिए कुरान को रहमत बना करके भेजा। लेकिन जो लोग कुरान पढ़ते नहीं, कुरान की नसीहत समझते नहीं, कुरान की नसीहत के ऊपर अमल नहीं करते, ऐसे लोगों के ऊपर शैतान आ जाता है। और एक अजीब बात भी इसके ऊपर समझो, जो आदमी अल्लाह की याद से मुंह फिरा लेता है, खुदा को याद नहीं करता, कुरान पढ़ता नहीं, सुनता नहीं, कुरान समझता नहीं, कुरान अमल नहीं करता, तो उस इंसान की दोस्ती बिगड़ जाती है, शैतान उसका दोस्त हो जाता है, गंदे और बुरे इंसान उसके दोस्त हो जाते हैं, और ये बुरे दोस्त उसको नेकियों से दूर करते हैं, मस्जिद से दूर करते हैं, अच्छे कामों से दूर करते हैं, बुराइयों से गुनाहों से नजदीक करते हैं, और फिर वो आदमी बुरे दोस्तों के साथ रहकर तमाम काम गुमराही के करता है, तमाम काम गुमराही के करता है। और समझता ये है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, नहीं, तू तो गुमराही के अंदर पड़ा हुआ है। देखो एक तो है जनरल शैतान, और यहां आयत के अंदर है खुसूसी शैतान। कुरान की नसीहत न माने तो खुसूसी शैतान आता है, और शैतान के लश्कर दो तरह के हैं, एक हवाओं में उड़ने वाले, एक जमीनों पर चलने वाले। ये जो दिल के अंदर गंदे गंदे वसवसे आते हैं, ये हवाओं में उड़ने वाले शैतान करते हैं। और आदमी जो शहवत के पीछे पड़ता है, वो जमीन पर चलने वाले लश्कर करते हैं शैतान के। तो जमीन पर चलने वाले शैतान इंसान को गंदी ख्वाहिशात में ले जाते हैं, और हवा में उड़ने वाले शैतान इंसान के दिल में गंदे वसवसे डालते हैं। तो कुरान से जिसने भी मुंह फिराया, उसको फौरन नकद कैश दुनिया के अंदर सजा मिल जाती है कि उसके साथ शैतान हो जाता है, और शैतान फिर उसको कंट्रोल करता है, रिमोट करता है उसको। अल्लाह ऐसी बुरी हालत से हिफाजत फरमावे। وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, और वो साथ रहने वाले शैतान उन काफिरों को हिदायत के रास्ते से बराबर रोकते हैं, और वो काफिर ये समझते हैं कि वो काफिर ठीक सीधे रास्ते पर हैं। हत्ता इदा जाअना काल या लैत बैनी व बैनक बुअदल मशरिकैन फबिसल करीन, यहां तक के जब वो नसीहत भूलने वाला हमारे पास आएगा तो अपने साथी शैतान से कहेगा, ए काश के मेरे और तेरे दरमियान दुनिया में मशरिक और मगरिब का फासला होता, क्योंकि तू बहुत बुरा दोस्त है। यानी बुरे लोगों से दोस्ती की, बुरे लोगों से ताल्लुक किया, तो आखिरत में जाने के बाद पछताना पड़ेगा, काश कि मैं ये बुरे दोस्त से दूर होता, शैतान से दूर होता,
इसलिए कि इसकी दोस्ती ने मुझे बर्बाद कर दिया, इसकी दोस्ती ने मुझे जहन्नम के अंदर पहुंचा दिया, इसकी दोस्ती ने मुझे सजा में अजाब में पहुंचा दिया। आदमी बहुत अफसोस करेगा, अफसोस करेगा कि ऐसे लोगों की दोस्ती करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन वहां जाके आदमी आरजू करे तो उसका क्या फायदा। जैसे कि मशरिक और मगरिब, पूर्व और पश्चिम कितने दूर है, तो आदमी कयामत के मैदान के अंदर ये सोचेगा कि मेरा ये गंदा दोस्त, मेरा ये बुरा दोस्त दुनिया में मेरे साथ न होता, मेरे पास न होता तो कितना अच्छा होता। वो इतना दूर होता जितना मशरिक मगरिब दूर है, पूर्व पश्चिम दूर है, ताकि मेरी गुनाहों से हिफाजत होती और मैं जन्नत में जाता। वलयंफअकुम अलयौम इज़्ज़लमतुम अन्नकुम फिल अज़ाबी मुश्तरिकून। और उनसे कहा जाएगा कि जब तुम जुल्म यानी शिर्क कर चुके हो तो तुमको आज कयामत में ये बात हरगिज कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी कि तुम अजाब में एक दूसरे के शरीक हो। यानी दुनिया में जब कोई तकलीफ पहुंचती है और उसमें कोई शरीक भी हो तो आसानी लगती है, आखिरत में ऐसा नहीं होगा। इसी तरह जब दुनिया में कुफ्र किया था तो आज अजाब की हसरत और अजाब में शिरकत कोई काम नहीं आएगी। यानी दुनिया में क्या होता है कि एक तकलीफ आपको है और वही तकलीफ किसी दूसरे आदमी को भी है तो हल्की लगेगी। वहां जहन्नम के अंदर शैतान आदमी के साथ होगा, बुरे दोस्त साथ में होंगे, तो अभी अजाब हल्का नहीं लगेगा, अजाब भारी ही भारी लगेगा। और आखिरत के अंदर जब अजाब में एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे के पार्टनर होंगे, जहन्नम में एक दूसरे के साथ होंगे, एक जगह पर जहन्नम में होंगे, तो उस वक्त पर अफसोस करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा और जो है कोई तकलीफ उनको हल्की भी नहीं लगेगी। इसलिए दुनिया में अच्छी दोस्ती अपनाओ, अच्छे लोगों की दोस्ती रखो, कुरान पढ़ो, कुरान समझो, कुरान पर अमल करो, सही कुरान सीखो, दूसरों को सही कुरान सिखलाओ, ये है असल चीज। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।